वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम के बारे में, स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो स्टेम भी मोनोकोटिलेडन स्टेम्स के बारे में। तो इसमें हम बेसिकली जो ट्रांसवर्स सेक्शन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक पूरा सेक्शन अगर हम देखें मोनोकोट स्टेम का, तो उसके अंदर एपिडर्मिस होती है बाहर, फिर हाइपोडर्मिस होती है एंड ग्राउंड टिश्यू होता है। एंड इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर ये वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड रहते हैं। अब इसका अगर हम एक पोर्शन ऐसे एक पोर्शन कट करके देखें तो उसके उसको हम स्टडी करेंगे, उसके अलग अलग पार्ट्स हम देखेंगे। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है मोनोकोटिलेडन स्टेम का, उसके अंदर निम्न प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सबसे बाहर यहाँ पे एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होती है, देन हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस के बाद ग्राउंड टिश्यू होता है जिसके अंदर ये वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड रहते हैं। एंड इन वास्कुलर बंडल्स के अंदर मेटाफिलोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड ये सारे टाइप की चीज़ें जो है ये पाई जाती है, एंड स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ इसके अंदर पाई जाती है। तो सबसे फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये क्यूटिकल युक्त होती है। जैसा हमने डाइकोट स्टैम के अंदर देखा था, डाइकोट स्टैम के अंदर क्यूटिकल युक्त एपिडर्मिस थी, सिंगल लेड एपिडर्मिस थी एंड उसके अंदर हेयर्स पाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है, हेयर्स यहाँ पे नहीं होते हैं और इसके अंदर उसके अंदर स्टोमेटा भी थे। इसके अंदर स्टोमेटा कब होते हैं, जब ये यंग स्टैम होती है, मोनोकोट की जब स्टैम यंग होती है तब इसके अंदर स्टोमेटा पाए जा सकते हैं। तो ये हो गए यहाँ पे एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्यूटिकल युक्त होती है, सिंगल लेड पर्त होती है, हेयर्स इसके अंदर नहीं होते हैं एंड जब यंग स्टैम होती है तब इसके अंदर स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस यानी कि जो मिलेगी एपिडर्मिस के नीचे। हाइपोडर्मिस जो होती है एपिडर्मिस के नीचे होती है, दृढ़ ऊतकी यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। ये जो हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है जो कि 2 से 4 स्त्रीय कोशिकाओं कोशिकीय समूह होता है। ठीक है, 2 से 4 लेड ये होती है। इसके बाद आता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो होता है एक बीजपत्री तने में जो ग्राउंड टिश्यू है कोर्टेक्स और पिथ में विभेदित नहीं होता है। ठीक है, कोर्टेक्स एंड पिथ में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। अब ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये प्रेजेंट होता है हाइपोडर्मिस से लेके सेंटर तक। ठीक है, हाइपोडर्मिस से लेके सेंटर तक ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है और इसके अंदर वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड रहते हैं। इसके अलावा ये जो हाइपोडर्मिस है ये तने के केंद्र तक होता है। ठीक है, एक क्षेत्र हाइपोडर्मिस से तने के केंद्र तक होता है, हाइपोडर्मिस से सेंटर तक होगा और इसके अंदर ये जो सेल्स होती है वो पतली भित्ति वाली कैसी होती है, थिन वॉल्ड पतली भित्ति वाली पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है एंड इन पैरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर भी इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे इन सेल्स के बीच में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे पाई जा रही है, जिनके मध्य में अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित रहते हैं। 7 पुल यानी वास्कुलर बंडल जो ये ग्राउंड टिश्यू है इसके अंदर वितरित रहते हैं, इसके अंदर स्कैटर्ड रहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा यहाँ पे वास्कुलर बंडल के बारे में। वास्कुलर बंडल जो है इसके ये क्या है, ग्राउंड टिश्यू के अंदर स्कैटर्ड रहते हैं और प्रत्येक 7 पुल जो होता है ये कॉन्जॉइंट कोलेट्रल इंडार्क, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल इंडार्क तथा क्लोज टाइप का होता है। एक बीजपत्री तना के 7 पुल में जाइलम जो होता है, ठीक है, जाइलम जो है ये मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम दो टाइप का होगा। ये जाइलम वी या फिर वाई आकृति में लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो जाइलम है ये ऐसे होगा, ठीक है, ये वी की शेप में होगा या फिर हम सिंपली इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वाई की शेप में होता है, वी एंड वाई की शेप में पाया जाता है। विकसित हो चुके सहवन मंडल में प्रोटोजाइलम विघटित होकर एक बड़ी गुहा यानी कि कैविटी का निर्माण कर लेता है, जैसे कि ये बनाई हुई है यहाँ पे ये कैविटी, ठीक है, ये कैविटी का निर्माण कर लेता है जिसे साइजोलाइसिजीनियस गुहिका यानी कि साइजोलाइसिजीनियस कैविटी कहते हैं। ठीक है, ये जो कैविटी यहाँ पे बनी है इसको ही बोला जाता है साइजोलाइसिजीनियस कैविटी।
इसके आसपास के क्षेत्र में जाइलम पैरेन्काइमा उपस्थित रहते हैं, ठीक है। इसके आसपास क्या है, इसके आसपास ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो हैं ये पैरेन्काइमा की होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो फ्लोएम हो गया वो भी पाया जाता है, जैसे कि इसके अंदर कंपेनियन सेल्स होती है, सीव ट्यूब्स हो गई, जाइलम के अंदर रिपीटेड वेसल्स हो गई, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है। ये प्रोटोजाइलम हो गया और इधर साइड ये मेटाजाइलम हो जाएगा, ये स्क्लेरेन्काइमा होता है यहाँ पे, तो ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं इसके अंदर। अब जो गेहूं होती है और अन्य एक बीजधरी तना, एक बीज पत्री तना होता है, यानी कि मोनोकोट के जो स्टैम होते हैं इनमें इंटरनोड खोखला तथा पर्व संध्या यानी कि नोड्स सॉलिड होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, ये एक स्टैम है और स्टेम के अंदर ये होती है नोड और ये भी एक नोड है, एंड इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है इसको बोला जाता है इंटरनोड। जैसे गेहूं की स्ट्रोक को अगर हम देखें तो उसके अंदर सिर्फ नोड से वो सॉलिड होता है, अदरवाइज वो कैसा होता है, खोखला होता है, होलो होता है। इनमें सेवन पुल चक्कर में लगे दिखते हैं, ठीक है। इनके अंदर सेवन पुल जो है चक्कर में लगे दिखेंगे, जैसे कि ये एक स्टेम का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर लिया है, तो ये जो है ये यहाँ पे क्या है, होलो है, बीच में से होलो है ये, और सेवन पुल जो है यहाँ पे लगे मिलेंगे, ये इस साइड होंगे सारे, ये गेहूं के अंदर होता है। सेवन पोल दृढ़ ऊतकीय यानी कि स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीत से घिरा हुआ होता है, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीत होती है, इससे घिरा हुआ होता है। इसके अलावा एक बीजपत्री तना के जो फ्लोएम है उसके अंदर फ्लोएम मृदुतक का अभाव होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। इसके बाद इसके अंदर आती है पिथ, पिथ जो है पिथ यहाँ पे अनुपस्थित रहती है, यानी सेंटर के अंदर पिथ यहाँ पे नहीं पाई जाती है। तो ये यहाँ पे हो गया है टीएस मोनोकोट स्टेम के बारे में। एपिडर्मिस होती है, क्यूटिकल युक्त होती है, जब यंग होती है तो स्टोमेटा पाई जाती है, हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। फिर आती है हाइपोडर्मिस जो कि स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है, 3 से 5 लेयर की होती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है जो कि थिन वॉल्ड होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस ये यहाँ पे पाई जाएंगे, एंड इसके अलावा ठीक है इंटरसेलुलर स्पेसेस है। इसके बाद इसके अलावा ये जो ग्राउंड टिश्यू है हाइपोडर्मिस से लेके सेंटर तक ही पाया जाता है, ठीक है। सेंटर तक ही प्रेजेंट होगा, एंड इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर ये वॉस्कुलर बंडल जो है स्कैटर्ड होते हैं, एंड इन वॉस्कुलर बंडल्स के अंदर कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज एंड एंडार्क एंड क्लोज टाइप के ये होते हैं। एंड इनके अंदर जो जाइलम होता है वो वी एंड वाई की शेप में पाया जाता है। इसके अलावा जाइलम जो होता है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे जो जाइलम हो गया ये प्रोटोजाइलम जो हो गया, प्रोटोजाइलम एक लेक्यूना यहाँ पे फॉर्म करता है, ठीक है, कैविटी फॉर्म करता है यहाँ पे। एंड ये स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट से घिरे हुए होते हैं। एंड फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे एबसेंट होता है, यहाँ पे एबसेंट होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो ये टीएस ऑफ मोनोकोट स्टेम हो गया। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वॉस्कुलर कैम्बियम के बारे में, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे एक्टिविटी होती है वॉस्कुलर कैम्बियम की, एंड देन सेकेंडरी ग्रोथ ही शो की जाती है। तो ये सभी टॉपिक्स हम अपकमिंग वीडियोज के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।